हेलो दोस्त, जैसा कि आपको सबको पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। फेज वन का, फेज टू का लेटर बन रहा है, जल्दी ही वेबसाइट पे पब्लिश होगा। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है बायोमेट्रिक चेक या वेरिफिकेशन या जांच, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम गलत रहने पे क्या करना है। कन्फ्यूजन है लोगों का। हालांकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, वन लाइन क्वेश्चन है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है। आंसर एक ही है कि बायोमेट्रिक आपकी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की नहीं, आपकी एड्रेस की नहीं, आपकी फादर और मदर की नहीं। यानी कुछ लोग इसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ ले रहे हैं, तो ये गलतियां नहीं गिनना है। तो 17 अगस्त से पहले ऐसी स्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं कन्फिडेंस लाने के लिए। बाकी तो आपका एग्ज़ाम इससे रुकने वाला नहीं है कि आपका ये सारी चीज़ें प्रोसेस में गड़बड़ है। हाँ, रेलवे की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब इस पर कुछ न कुछ सवाल उठता है, उसका भी निदान है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बायोमेट्रिक चेक होगा। बायोमेट्रिक चेक में आपकी हाथ की अंगुलियों का निशान मैच होना चाहिए किसके साथ, आपका जो आधार में दिया हुआ बायोमेट्रिक है उसके साथ। ये कब होता है, जब एग्ज़ाम में जाते हैं उससे पहले भी किया जा सकता है और बीच में भी किया जा सकता है, जब भी कन्फ्यूजन हो। तो बीच में तो होता नहीं है किसी का, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम में डिस्टर्ब कोई नहीं करता। लेकिन स्पेशल केस इसलिए लिखा हुआ रहता है कि अगर किसी भी कंडीशन में कोई कैंडिडेट ऐसा पाया जाए जिस पे सस्पेंस बने, वैसे चेकों में वैसा होता है। लेकिन जितने भी वेरिफिकेशन है, आपका एग्ज़ाम इंटर करते ही हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसी आपके पास समस्या है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 15/7/2001 है और आप एग्ज़ाम देने चले गए, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है और आपने फॉर्म में भर दिया है 15/7/2002 या 15 के जगह पे आपने 16 कर दिया, 8 के जगह पे 9 कर दिया, 7 के जगह पे 8 कर दिया, ये सारा चेंज हो जाते हैं कई बार कैफे में फॉर्म भरते वक्त, या अपने से भी ह्यूमन मिस्टेक होता है। तो ये सारे चीज़ें का वेरिफिकेशन आपको नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी बायोमेट्रिक आधार कार्ड में तो ओरिजिनल होगा, फॉर्म में गलत हो सकता है या आधार में गलत हो सकता है, दोनों जगह गलत हो सकता है। लेकिन आपको आधार कार्ड में तो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जनरली होगा, अगर उसमें भी गलत है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपके फॉर्म में भी गलत है तब भी नहीं जरूरी है गलत है। लेकिन अब जब डेट ऑफ बर्थ लेके जाएंगे आप वहाँ पर, तो आपके पास आधार रहेगा, उसके देख के आपको एग्ज़ाम अलाउ कर दिया जाएगा। जब आपकी बायोमेट्रिक मैच करेगी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बायोमेट्रिक मैच नहीं करेगा तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखाया जाएगा, आगे की प्रोसेस किया जाएगा। एड्रेस कोई देखेगा नहीं, आपके आधार पे क्या एड्रेस है और अभी क्या एड्रेस है, या पुराना आधार वाला एड्रेस आपने फॉर्म में डाला है या नया ही डाला है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है एड्रेस से। मदर फादर का नेम में मिस्टेक अगर कहीं है, किसी के पिताजी का नाम, किसी का माताजी का नाम में कुछ सुधार की ज़रूरत है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है बायोमेट्रिक में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अगर फादर नेम आपके बायोमेट्रिक में होगा, आधार में लिखा होगा, और आप फॉर्म में कुछ और भरे हैं या नहीं भरे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइटल मिस्टेक है, ये सारा चीज़ें का कोई चेक नहीं करने वाला। आपकी बस सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो आपकी हैंड है, हैंड की अंगुलियाँ मैच करनी चाहिए बायोमेट्रिक के आधार के साथ। अगर नहीं होता है तो आपसे एप्लीकेशन लिखा जाएगा और एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, न कि आपको एग्ज़ाम मना करेगा, आधार लेके जाइएगा। और दूसरी चीज़ें में, अगर आपको एड्रेस का कोई इशू है, मदर फादर नाम का इशू है, तो एक थोड़ी सी मेरा भी बात मान लीजिएगा, एड्रेस जो आपका सही है और मदर फादर का जो सही एड्रेस है उसका एक ओरिजिनल प्रूफ लेते ज़रूर जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई परेशानी आएगी तो आपको काम आएगा वो। थैंक यू, धन्यवाद।